हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो F15 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है एक टीज़र इसका लीक होकर आ चुका है, जो ओप्पो कंपनी ऑफिशियली उन्होंने अपना टीज़र जो है वो यूट्यूब पर डाल दिया है। तो ऐसे में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको बहुत ही जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग और इसकी लॉन्च डेट। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये जो स्मार्टफोन है ओप्पो F15, ये जो है ये कुछ कुछ ओप्पो A91 की तरह होगा, क्योंकि जो टीज़र है जो ओप्पो ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसमें से जो स्मार्टफोन दिख रहा है वो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है ओप्पो A91 की तरह। ये जो ओप्पो A91 है ये चाइना में लॉन्च हो गया था कुछ दिनों पहले। तो मैं आपको ओप्पो F15 की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 6.4 इंचेस का। यहाँ पर आपको एमोलेड की स्क्रीन मिलने वाली है, साथ में फुल HD+ का रेजोल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा सामने की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी। साथ में डिज़ाइन की बात करते तो आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश में डिज़ाइन मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें से मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का, जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर आपको 64 भी मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा होगा एक अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा होगा मैक्रो लेंस और चौथा होगा एक डेप्थ सेंसर। साथ में इसका जो चिपसेट होगा वो सबसे पावरफुल चिपसेट होने वाला है, यानी कि इसमें आपको मीडियाटेक का Helio P70 चिपसेट मिलेगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त चिपसेट है, और इसमें आप गेमिंग जो है वो काफ़ी कमाल की कर सकते हैं। साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 6GB RAM 128GB स्टोरेज और 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में आपको 30W का वोक चार्ज मिलेगा, जो एक काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में जनवरी के मंथ में देखने को मिलने वाला है, यानी कि लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियली। साथ में प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन होगा 20 से 25 हज़ार की प्राइस रेंज के बीच में। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नया साल बहुत ही अच्छा हो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।